हेलो बच्चों, मैं DSG सर अपना आकाश कोटा से, और आज डिस्कस करूंगा मैं FT सीरीज का टेस्ट नंबर 4, जिसका कोड है GMJ4 और कोड D। सिलेबस जूलॉजी का आपके सामने फ्लैश हो रहा है। श्वसन व गैसों का विनिमय, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, शरीर द्रव व परिसंचरण, बॉडी फ्लूड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूड एंड सर्कुलेशन, तो मैं जूलॉजी के सेक्शन पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 151। चूज द इनकरेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर। श्वसन संरचनाओं के संदर्भ में गलत, जब भी गलत या सही हो बेटे, इसको आप ऐसे निशान लगा लें अपनी कॉपी में। अब कॉपी का मतलब है अपने टेस्ट पेपर में कि क्या आपको ढूंढना है। कभी कभी होता है कि हमको इनकरेक्ट ढूंढना होता है, हम करेक्ट ढूंढ लेते हैं, है ना। कभी कभी हमको करेक्ट ढूंढना होता है, हम इनकरेक्ट ढूंढ लेते हैं, आंसर आता हुआ भी गलत हो जाता है, तो ये अंडरलाइन लगा लीजिए। अब देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है फ्लैटफॉर्म या चपटे क्रमी। वो बोल रहे हैं कि चपटे क्रमी में क्लोम होते हैं। चपटे क्रमी में क्लोम नहीं होते हैं। इसमें आपने पढ़ा था ज्वाला कोशिकाएं, फ्लेम सेल्स जिसको आप बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में हो जाता है ज्वाला कोशिकाएं, ठीक है ना। ये आ गया ज्वाला कोशिका, या फिर इंग्लिश में आप नाम देते हैं गिल्स की जगह, यहाँ पे सही वर्ड आना चाहिए फ्लेम सेल्स, ठीक है बच्चों। ये इसका करेक्ट है, कलेक्ट वर्जन हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा वन। आंसर क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इनकरेक्ट हमको ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 152 आ रहा है कि फंक्शन नॉट परफॉर्म बाय द कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर से देखें, नॉट परफॉर्म बाय मीन्स ये कंडक्टिंग सिस्टम का कोई फंक्शन नहीं है, कार्य नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए, श्वसन तंत्र के संचरण भाग द्वारा जो कार्य नहीं होता है, तो नंबर वन देखते हैं यहाँ पर हम लोग कि पहला क्या दिया है, एक्सचेंज ऑफ गैस बेटे, क्या गैसों का विनिमय, यही नहीं होता है बेटे, यही नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा वन बेटे। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंसर वन होगा, क्योंकि जो संचरण का जो भाग होता है उसमें वायु का आर्द्रीकरण होता है, ठीक है ना, धूल कणों का फंसना होता है, वायु को शरीर के ताप के जैसे पर लाना होता है। तो ये तीन तो इसके कार्य होंगे, लेकिन ये कार्य नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे गैस का एक्सचेंज नहीं होता है। तो बच्चों, आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा वन। आंसर क्या होगा? वन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है डिक्रीज इन थोरेसिक वॉल्यूम ड्यूरिंग द नॉर्मल एक्सपायरेशन अकर्स टू। देखिए, नॉर्मल एक्सपायरेशन की बात हो रही है, यानी कि हम बात कर रहे हैं सामान्य निःश्वसन की, ठीक है ना। ये नॉर्मल एक्सपायरेशन, निःश्वसन आ रहा है, तो वो पूछ रहा है कि वक्षीय आयतन में कमी किसके कारण होती है। तो वक्षीय आयतन में कमी जो हो रही है वो किसके कारण हो रही है, तो ये हमको देखना है कि वक्षीय आयतन में जो कमी आ रही है, ठीक है ना, पक्षी आयतन में जो कमी आ रही है उसका कारण देखते हैं क्या होता है एक्सपायरेशन के समय, ठीक है ना। एक्सपायरेशन के समय बात कर रहे हैं, तो नंबर वन आता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, ये नहीं होगा, संकुचन नहीं होगा, संकुचन से तो वक्षीय आयतन बढ़ेगा, ठीक है ना। इंटरकोस्टल मसल बेटे, ये नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल EICM नहीं होगा। तो इसी तरह हिंदी में डायफ्राम का संकुचन, ये नहीं होगा। ये बेटे आंतरिक इंटरकोस्टल पेशियों का नहीं होगा, बाहरी इंटरकोस्टल पेशियों का संकुचन नहीं होगा। तो बचा क्या बेटे हमारे पास? डायफ्राम का शीतलन या फिर डायफ्राम का रिलैक्सेशन। सो आंसर होगा रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम। सो द आंसर इज व्हाट बेटे? आंसर इज फोर। आंसर क्या हो जाएगा? फोर हो जाएगा। आंसर बिकम्स फोर। 155 फोर पे आते हैं हम लोग। अब 154 में देखिए क्या है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है ना, वायु की वह अतिरिक्त मात्रा, ठीक है ना, जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतः श्वसन के अंत में श्वसित कर सकता है कहलाता है। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर द पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पायरेशन इज टर्म्ड एज, ठीक है ना, इस टर्म, यानी वो देखिए ज्वारी आयतन या फिर टाइडल वॉल्यूम से ऊपर की बात कर रहा है, जो बलपूर्वक हम निःश्वसन कर सकते हैं या इंस्पायर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों, वो क्या कहलाता है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या कहलाता है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, शॉर्ट में हम लोगों ने इसको पढ़ा था
आईआरवी के नाम से, ठीक है ना, कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर द पर्सन कैन इंस्पायर फोर्सफुल इंस्पायरेशन, मीन्स जो, ठीक है ना, वायु की वह अधिकतम मात्रा की बात कर रहे हैं जो बलपूर्वक अंतः श्वसन द्वारा क्या करी जा सकती है, अंतः श्वसित की जा सकती है। तो जाहिर सी बात है बेटे, आईआरवी की बात हो रही है, ठीक है ना, तो ये आईआरवी हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वन बेटे, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा वन। 155 की बात करते हैं, वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स कैन बी रिप्रेजेंटेड, वाइटल कैपेसिटी, जैव क्षमता की बात हो रही है यहाँ पर। जैव क्षमता आपको याद होगी बेटे, मैंने क्लास में जैसे बताया है, अगर मेरे आपने पढ़ा है, कि आप बलपूर्वक बाह्य श्वसन कर दें, मीन्स फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दें, और फिर क्या कर लें, मैक्सिमम इंस्पायरेशन कर लें, और बलपूर्वक ही क्या कर रहे हैं, अंतः श्वसन। तो उसको हमने नाम दिया था वाइटल कैपेसिटी, उसको हमने क्या नाम दिया था, वाइटल कैपेसिटी नाम दिया था। तो देखिए आपके सामने यहाँ पर आ जाता है एक तो, ठीक है ना, तो वाइटल कैपेसिटी जो आपकी आ गई, एक तो आ गई कौन सी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, क्योंकि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में आपको मालूम है इसमें दो वॉल्यूम आते हैं, एक आता है टाइडल वॉल्यूम, एक आता है आईआरवी, ठीक है ना, एक आता है आईआरवी, ठीक है ना। तो ये टीवी हो गया, आईआरवी हो गया, और ये यहाँ पर देखिए एआरवी आपका आ ही गया है। तो इन तीनों को अगर हम एक कर दें तो ये बनता है क्या बेटे, वाइटल कैपेसिटी। इसी को हम क्या नाम देते हैं, वाइटल कैपेसिटी, या जैव क्षमता इसको हम लोग नाम देते हैं। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फोर, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका आंसर हो जाता है फोर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 156, स्टेट ऑफ द हार्ट व्हेन इट डज नॉट पंप द ब्लड इफेक्टिवली टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड, ठीक है ना, हृदय की वह अवस्था जब वह शरीर के विभिन्न भागों को आवश्यकता अनुसार पर्याप्त रक्त पंप नहीं कर पाता है। देखिए पंप कर रहा है लेकिन जितनी आवश्यकता है उतना पंप नहीं कर पाता है, जितनी आवश्यकता है उतना पंप नहीं कर पाता है। ध्यान से सुनिए कि स्टेट ऑफ द हार्ट व्हेन इट डज नॉट पंप द ब्लड इफेक्टिवली टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी, हृदय की वह अवस्था जब शरीर के विभिन्न भागों को आवश्यकता अनुसार पर्याप्त रक्त पंप नहीं कर पाता है वो क्या कहलाता है। तो आंसर क्या होगा बेटे यहाँ पर, क्या वो एंजाइना पेक्टोरिस होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्या वो कार्डियक अरेस्ट होगा, कार्डियक अरेस्ट भी नहीं होगा। क्या वो हार्ट अटैक होगा, हार्ट अटैक भी नहीं होगा। रह गया क्या अपने पास, हार्ट फेल्योर। तो बेटे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 156 का आंसर क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। आंसर क्या होगा बेटे, फोर होगा। तो आंसर बन जाता है फोर, ठीक है ना, इसको हार्ट फेल्योर बोलते हैं। 157 आते हैं, चूज द करेक्ट, देखिए फिर से आगे आपको करेक्ट चूज करना है, ठीक है ना, आपको सही विकल्प इसमें से देखना है। तो आपके यहाँ पर कुछ वैल्यू बेटे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन के दिए हैं, कुछ वैल्यू आपको पार्शियल प्रेशर CO2 के दिए हैं, ठीक है ना। ये दैहिक शिराओं में PO2 और दैहिक धमनियों में, ठीक है ना, ये आगे धमनियों में CO2, ठीक है, सिस्टमिक आर्टरीज की बात हो रही है। तो आपको इसमें से ढूंढना है, तो अगर आपको पार्शियल प्रेशर अगर याद हैं बच्चों, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल कुछ सेकंड का क्वेश्चन है, आपको पढ़ते ही इसका अंदाजा हो जाना चाहिए। आंसर होगा PO2 40 और PO2 CO2 भी 40, दोनों 40-40 होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए सिस्टमिक वेन में, सिस्टमिक वेन बात आ रही है, तो वेन में बेटे 40 प्रेशर होता है, ठीक है ना, और CO2 पे जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड की हम बात करते हैं वहां पे CO2 कितना होता है, 40 होता है, दोनों 40 होता है, यहाँ पे दोनों 40 हुआ। तो आंसर बेटे इसका क्या हो जाता है, आंसर होगा वन, आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा वन। दूसरा बाद 157 के बाद 158 क्वेश्चन आता है, देखिए फिर से आ रहा है सिलेक्ट द ऑड वन, ये ऑड वन पूछा है, ठीक है ना। यहाँ पर सिलेक्ट द ऑड वन या विषम, यहाँ पे लिखा है कि विषम का चयन करना है, ठीक है, किसके आधार पे करना है, प्रेजेंस ऑफ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, खुले परिसंचरण तंत्र की उपस्थिति के संदर्भ में सोच के हमको यहाँ पे ऑड वन देखना है। तो देखते हैं ऑड वन यहाँ पर कौन सा होता है, कैसे होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें खुले प्रकार का यानी ओपन सिस्टम पाया जाता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र, इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, इसमें भी खुले प्रकार का पाया जाता है, इसमें भी खुले प्रकार का परिसंचरण, क्योंकि ऑर्थ्रोपोड से बेटे, और ये तीनों बेटे एक और तीन, ठीक है ना, एक
दो और चार, ये जो उदाहरण दिए हैं ये किसके हैं? ऑर्थ्रोपोडा के हैं। और ऑर्थ्रोपोडा में बिना किसी अपवाद के आप जानते हैं कि खुला परिसंचरण तंत्र क्या कहा जाता है, ये पाया जाता है। और रह गया कौन सा अपना? अर्थवर्म। तो बेटे आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? केचुआ। इस अर्थवर्म में बंद यानी कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ठीक है ना? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे पाया जाता है, बंद प्रकार का यहाँ पे पाया जाता है। तो बच्चों आंसर इसका क्या हो जाएगा? थ्री हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? थ्री हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ आपको? ठीक है, अब आ जाता है 159 बेटे, देखते हैं। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको यहाँ पर गलत कथन का चयन करना है। ऐसे अंडरलाइन कर लिया करें तो गलत होने के चांस कम हो जाते हैं। अब इसको ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर यह होगा कि यहाँ पर देखिए बेटे, CO2 इज कैरिड बाई हीमोग्लोबिन एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, बिल्कुल राइट है। CO2 हीमोग्लोबिन द्वारा कार्बामिनो के रूप में वहन की जाती है, बिल्कुल सही है। हाई PCO2 एट द टिश्यू लेवल इंक्रीजेस द डिसोसिएशन ऑफ OT फ्रॉम देयर, हाई लेवल PO2 जो होगा, बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि आपने पढ़ा है कि HBO2 ये टूटता है किसमें बेटे? HB में और O2 में, ठीक है ना? HB में और O2 में, जिसका कारण क्या होता है बेटे? PCO2, ये ज्यादा होना ये हो जाता है। इसको आपने पढ़ा है बोर्स इफेक्ट के नाम से, अगर आपको याद हो, ठीक है ना? बोर्स इफेक्ट, ये वाला आप जो दिखा रहा है ये आपको दिखाता है बोर्स इफेक्ट या बोर्स प्रभाव, आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना? बोर्स इफेक्ट के नाम से आपने इसको पढ़ा होगा। अब आ जाता है कि लो PO2 एट टिश्यू लेवल डिसोसिएशन ऑफ CO2 फॉर द कॉमन, ये आपका स्टेटमेंट गलत है और हमको गलत ही चयन करना है। तो बच्चों आंसर क्या होगा यहाँ पर? इसका आंसर होगा थ्री बेटे। आंसर इसका क्या होगा? थ्री होगा, ठीक है ना बच्चों? इसका आंसर क्या होगा? थ्री होगा। यहाँ पर ये थ्री आंसर है, ये दोनों स्टेटमेंट राइट है, ठीक है ना? ये करेक्ट जो लगा है स्टेटमेंट के लिए, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, जो कि हमको गलत ही चुनना है क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो चौथा स्टेटमेंट भी जाहिर सी बात है बेटे क्या होगा, ठीक है? ये भी क्या होगा यहाँ पर? ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट होगा, ठीक है ना? अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 160। 160 में देखिए, द कंपोनेंट ऑफ ECG, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की बात हो रही है, यहाँ पर ECG की बात हो रही है, रिप्रेजेंट्स रिपोलराइजेशन, जो कि दिखा रहा है पुनर्ध्रुवीकरण को बेटे, पुनर्ध्रुवीकरण को जो दर्शाता है, जो पुनर्वनीदबन, ठीक है ना? या हम बात करते हैं तो हम शीतलन की बात करते हैं या रिलैक्सेशन की बात करते हैं, वो भी यहाँ। तो कौन सी वेव है, कौन सी तरंग है जो कि शीतलन या फिर हम सिंपल सी बात करें विध्रुवण को, पुनः पुनः ध्रुवीकरण को क्या करती है? दर्शाती है। तो अनडाउटली ये आंसर क्या हो जाता है? वो होगा टी वेव बेटे। क्या होगा यहाँ पर? टी वेव, क्योंकि पी तरंग जो है वो पोलराइजेशन ध्रुवीकरण को दिखाती है, ठीक है ना? डीपोलराइजेशन आ जाता है, ठीक है, डीपोलराइजेशन के बारे में दिखाती है। और क्यू और एस कॉम्प्लेक्स का भाग है बेटे, और उस कॉम्प्लेक्स के भाग में वेंटिकुलर सिस्टोल या फिर निलय के संकुचन को दर्शाती है। तो जो रिलैक्सेशन को दर्शाती है या रिपोलराइजेशन को दर्शाती है, वो आपका क्या होगी? टी वेव होगी। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर हो जाएगा। आंसर क्या होगा यहाँ पर? आंसर इज फोर। ओके, 161 देखते हैं। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम इज लोकेटेड इन, सामान्य श्वसन लय को नियंत्रित करने के लिए मुख्य उत्तरदायी श्वसन लय केंद्र कहाँ उपस्थित होता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटे, है ना? ये अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक्स भी याद होगा क्लास का, तो अनडाउटली आंसर क्या होगा? डायरेक्ट क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा बेटे? वन होगा। आंसर क्या होगा? वन होगा। यहाँ पे आंसर क्या होगा? वन होगा। अगर आपको याद हो, हम लोगों ने दो ग्रुप पढ़े थे न्यूरॉन के, DRG पढ़ा था, VRG पढ़ा था, तो वो यहाँ पर, ठीक है ना? यहाँ पे तो यहाँ पर देखिए, जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम है वो अपना सेंटर कौन सा है मुख्यतः? वो आ जाता है DRG, है ना? ये DRG यहीं पे तो था और यही हमारा क्या करता है? श्वसन लय केंद्र होता है DRG, जो कि मेंटेन रखता है हमारे श्वसन लय को। आंसर क्या हो जाएगा? वन। आंसर क्या होगा? वन। 162 चलते हैं। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन इज प्रेजेंट इन, अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ह्यूमंस में पूर्ण होता है बेटे, पिकॉक बर्ड्स में पूर्ण होता है,
ठीक है ना, शार्क में यहाँ पर जो होगा वो एकल परिसंचरण तंत्र होता है, सिंगल, वहां डबल सर्कुलेशन होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो होता ही नहीं है, मानव में कैसा होता है, पूर्ण है, पूर्ण होता है, ठीक है ना। और रह गया कौन अपना बेटे, मेंढक या फ्रॉग, ठीक है ना। तो फ्रॉग में कैसा होगा, इनकम्प्लीट होता है, क्योंकि आपने पता है, पढ़ा है कि इसमें दो एट्रिया होते हैं, एक वेंट्रिकल होता है, दो आलिंद होते हैं, ठीक है ना, दो आलिंद होते हैं, एक निलय होता है। और एक निलय होने से क्या होता है, यहाँ पे रक्त का मिश्रण हो जाता है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाता है, ठीक है ना। इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र या इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन के नाम से हम इसे जानते हैं। 163 आ जाता है यहाँ पर, कि ऐसा उपकरण जो कि बेटे फुसफुसीय कार्यों को, या फिर हम बोल रहे हैं पल्मोनरी फंक्शन को, वहां पे क्लिनिकल असेसमेंट में हेल्प करता है, ठीक है ना, नैदानिक मूल्यांकन में सहायता करता है। तो स्पेग्नोमैनोमीटर, ये तो ब्लड प्रेशर के लिए होता है बेटे, ठीक है ना, ये ब्लड प्रेशर को नापने के काम आता है, ये ब्लड प्रेशर को रहेंगे। एनसेफलोग्राफी आपके ब्रेन की या मस्तिष्क की होती है बेटे, ये ब्रेन की एक्टिविटी को देखने के लिए काम आता है, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आपकी हार्ट की एक्टिविटी को या हृदय की एक्टिविटी को देखने में काम आ जाता है। तो आंसर क्या हुआ बेटे, 3 हो जाएगा, आंसर क्या होगा, 3 हो जाता है, यहाँ पर इसको याद रखना है। स्पाइरोमीटर बेटे याद रखिएगा, स्पाइरोमीटर कभी भी रेसिडल वॉल्यूम को नहीं नाप पाता है, इस चीज को याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन घूम के भी आ सकता है। तो स्पायरोमीटर रेसिडुअल वॉल्यूम को नहीं नाप पाता है, क्योंकि रेसिडुअल वॉल्यूम हमारे फेफड़ों में ही रह जाता है, एल्विलाई में ही रह जाता है, वो एयर बाहर नहीं आती है, तो वो उसको नहीं नाप पाता है, ठीक है ना। तो ये ब्लड प्रेशर को नाप रहा है बेटे, स्पाइग्नोपेलोमीटर, ये ब्रेन की एक्टिविटी, ये हार्ट की एक्टिविटी, ठीक है ना, ये हार्ट की, यहाँ पर ये इसको याद रखिएगा, हृदय की, ठीक है ना, ये हृदय की गतिविधि को, इसमें जो चेंजेस होते हैं उसको नापता है, ठीक है ना। और स्पायरोमीटर आंसर हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाता है बेटे, 3 हो जाएगा, आंसर क्या होगा, 3 होगा। 164 पे आते हैं, 164 में सिलेक्ट द प्लाज्मा प्रोटीन दैट चीफली हेल्प्स इन मेंटेनिंग द ऑस्मेटिक बैलेंस। यहाँ पे ऑस्मेटिक बैलेंस एक इंपॉर्टेंट शब्द है, तो उसने बोला कि यहाँ पे परासरण संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन आ जाता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा, 3 होगा, आंसर क्या होगा, यहाँ पे 3 होगा, आपको क्लास में पढ़ाया गया होगा, ठीक है ना। क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि ये जो एल्बुमिन्स होते हैं ये मेंटेन करते हैं किसको, बीसीओपी को बेटे, ठीक है ना, ब्लड कोलोइडल ऑस्मेटिक प्रेशर, ब्लड कोलोइडल ऑस्मेटिक प्रेशर, बीसीओपी बेटे। तो एल्बुमिन्स जो होते हैं बीसीओपी को मेंटेन करवाते हैं, ब्लड कोलोइडल ऑस्मेटिक प्रेशर को मेंटेन कराते हैं, आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सीरम कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज, सीरम जो होता है उसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो सीरम जो होगा, देखे यहाँ पर आपको देखेगा, यहाँ पर आंसर सीधे बिल्कुल सीधा सा है, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, बिल्कुल यही आंसर होगा कि थक्का जमाने वाले कारकों के बिना प्लाज्मा। अब देखिए होता क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला सा याद रखिए कि ब्लड में से, ठीक है ना, रक्त में से, ब्लड में से आपने कॉर्पसल्स माइनस कर दिए है, कॉर्पसल्स समझ रहे हैं आप लोग, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स माइनस कर दो, तो वो बराबर हो जाता है क्या बेटे, प्लाज्मा के, क्या इसके प्लाज हो जाता है, प्लाज्मा के। और प्लाज्मा में से आप माइनस कर दीजिए क्लॉटिंग फैक्टर, प्लाज्मा में से आप माइनस कर दिए आपने किसको बेटे, क्लॉटिंग फैक्टर को, स्कंदन के कारक को, ठीक है ना। क्लॉटिंग फैक्टर अगर आपने माइनस कर दिए तो वो बराबर हो जाएगा किसके, वो बराबर हो जाता है सीरम के। तो बच्चों आंसर क्या होगा यहाँ पर, 1 होगा, आंसर क्या होगा यहाँ पर, 1 होगा। तो आंसर 1 होगा, ये आपको बताया। 166 में अगले में चलते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट मैच, देखिए करेक्ट आया है इसके लिए अंडरलाइन कर लीजिए, सही मिलान को डाल। अब ये यहाँ पर इनकी संख्या दी हुई है बेटा, ठीक है ना, मोनोसाइट्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, हमको करेक्ट वाली ढूंढनी है कौन सी है। तो देखते हैं हमारी करेक्ट वाली यहाँ पर कौन सी आ जाती है, ये आपका याद करने वाला ही क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए यहाँ पर आ गई है इसिनोफिल्स बेटा, इसिनोफिल्स जो होंगे, ये याद करने का, इसमें कोई कंसेप्चुअल भाग नहीं है बच्चों, तो इसको आपने याद रखना है, आंसर क्या होगा, 2 होगा, आंसर क्या होगा यहाँ पर, 2 होगा, ठीक है ना। बेसोफिल्स आपके 0.5 से 1% हो जाते हैं, ये आपके सबसे कम होते हैं। न्यूट्रोफिल्स आपके 60 से 65% होते हैं बेटे, ये सबसे अधिक होते हैं, ठीक
ठीक है ना, सबसे अधिक हो जाते हैं, 6 से 7% हम लोग मोनोसाइट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर इसका बेटे आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 167 प्लेटलेट्स आ जाता है। प्लेटलेट्स आर द सेल फ्रैगमेंट प्रोड्यूस फ्रॉम, प्लेटलेट्स जो होते हैं उस लिख रहे हैं कि कोशिका खंडों खंडों हैं जिस किससे उत्पन्न होते हैं, किससे उत्पन्न होंगे, क्लास में पढ़ाया गया है, आंसर क्या है, सिंपल सा बेटे आंसर 1 होगा, मेगा कैरियोसाइट्स बेटे, आंसर क्या होगा यहाँ पर, मेगा कैरियोसाइट्स, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको याद, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें वैसा कंसेप्चुअल पार्ट है नहीं बेटे यहाँ पर। अब ये देखिए यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स आ रहा है, ड्यूरिंग सोलोइंग, सोलोइंग मतलब निगलते समय, भोजन को निगलते समय, डैश कैन बी कवर्ड बाई डैश, डैश कैन बी कवर्ड बाई डैश, तो यहाँ पर बेटे कौन कवर्ड होता है सोलोइंग के समय, ग्लॉटिस कवर्ड होता है, किसके द्वारा, एपिग्लॉटिस द्वारा, ताकि फूड हमारा किस में ना जाए, वो हमारे लैरिंग्स पार्ट में ना जाए, लैरिंग्स ट्रेकिया इंटीग्रेटेड पार्ट होता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। भोजन निकलते समय ए, ए क्या हो गया, ग्लॉटिस, ठीक है ना, ये आपका हो गया ए, ग्लॉटिस, ठीक है, क्या हो गया, ठीक है ना, ए जो होगा वो ढक जाता है किससे बेटे, एपिग्लॉटिस से, ये एपिग्लॉटिस के कंठ छद लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये बेटे किस में नहीं जाने देगा, कंठ में, यानी कि भोजन को हमारे कंठ के थ्रू ट्रेकिया में जाने से रोकता है, तो ये सी पार्ट आ जाता है। तो बच्चों आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर, 2, आंसर क्या होगा, 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 169 पे, लॉन्ग एक्सपोजर टू स्टोन ब्रेकिंग, देखिए ये रेस्पिरेटरी ऑक्यूपेशनल डिजीज का है, रेस्पिरेटरी ऑक्यूपेशनल डिजीज, ठीक है, मैंने क्लास में कराया हुआ था, मैंने सीमेंट फैक्ट्री के नाम से पढ़ाया हुआ था बेटे आपको यहाँ पर वहाँ क्लास में, और यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि अगर स्टोन ब्रेक हो रहे हैं तो हर समय वो एक्सपोज होंगे सिलिका के सामने में, लंग्स में वहां पे इन्फ्लामेशन हो जाएगा, फाइब्रोसिस हो जाएगा, वो लंग्स का पार्ट डेड होना शुरू हो जाएगा, और इस बीमारी को बेटे हम किस नाम से जानते हैं, सिलिकोसिस, डायरेक्ट आंसर है बेटे यहाँ पर, ये डायरेक्ट आंसर है, तो आंसर क्या होगा, 2 बेटे, आंसर क्या होगा, 2 होगा, ठीक है ना। एक कुछ उद्योगों में पत्थर तोड़ने के समय संपर्क में रहने से शोथ हो जाता है, फेफड़ों की बात कर रहे हैं, जिससे रेशमता बेटे, ठीक है ना, फाइब्रोसिस बढ़ा जाता है, फाइबर बनने यानी कि वो भाग डेड होना शुरू हो जाता है, मृत होना शुरू हो जाता है, ऐसे विकार को हम क्या नाम देते हैं, सिलिकोसिस, और ये एग्जाम्पल हो जाता है कैस कैसा, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ठीक है ना, यहाँ पर ऑक्यूपेशनल ऐसे श्वसन के रोग जो हमारे व्यवसाय से संबंधित है, तो बच्चों आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पर आंसर नंबर 2, ठीक है ना। अस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस, एम्फाइसीमा आपने पढ़े हुए हैं, अस्थमा एलर्जी के कारण, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, एम्फाइसीमा आपका अधिक धूम्रपान करने के कारण ये हो जाता है, तो ये इसको आप ऐसे याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 170 थी, न्यूरल सिग्नल फ्रॉम द सिंपेथेटिक नर्व कैन इंक्रीज ऑल एक्सेप्ट, यानी कि सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम सब कुछ बढ़ा सकता है केवल किसको छोड़ के, वो हमको देखना है। अनुकंपी तंत्रिका के माध्यम तंत्रिका संकेतों किसके अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त, अतिरिक्त मतलब वो सारे फंक्शन जो 4 दिए हैं, 4 में से 3 फंक्शन उसके हैं किसके, अनुकंपी तंत्रिकाओं के, एक नहीं है, तो वो हमको ढूंढना है। तो रेट ऑफ हार्ट बीट बढ़ाना ये इसका कार्य है, बिल्कुल, हृदय स्पंदन दर को क्या करता है बेटे, ये बढ़ाता है, ठीक है ना। स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन निलय संकुचन की क्षमता को बढ़ाता है, बिल्कुल सही है। कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है, हृदय निकास को बढ़ाता है, तो बेटे बचा क्या, ड्यूरेशन ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है ना। निलय प्रकुंचन की अविदिति से कोई लेना देना नहीं है, तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा 4 बेटे, आंसर क्या होगा यहाँ पर, 4 हो जाता है, इसका आंसर क्या हो गया यहाँ पर, 4 हो जाता है, इसका आंसर क्या हो गया, 4 हो जाता है, क्लियर हुआ, ठीक है। अब बच्चों चले अगले क्वेश्चन में, 171 में मैं आता हूं, फॉर इनहेलेशन टू अकर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इनहेलेशन सांस अंदर लेनी है हमको, अंत श्वसन करना है, ठीक है ना, और अंत श्वसन करने के लिए इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, ऐसा प्रेशर जो हमारे लंग्स के अंदर है, हमारे फेफड़ों के अंदर है बेटे, उसी को हमने क्या बोला है, अंतरा फुसफुसीय दाब बोला है। तो ये कैसा होना चाहिए, क्या ये एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बराबर होगा तो एक्सचेंज होगा ही नहीं बेटे यहाँ पर, वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं होना चाहिए।
ठीक है ना, इधर इक्वल टू और मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या तो ये बराबर हो या उससे क्या लिखा हुआ है मोर हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका वंस, ये भी संभव नहीं है बेटे, तो ये भी नहीं होगा। वायुमंडलीय दाब से कम होना चाहिए, यस ये आंसर आपका होगा कि लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम हमेशा बोलते हैं कि इनहेलेशन के लिए हमारे लंग्स में कैसा प्रेशर होना चाहिए, नेगेटिव प्रेशर होना चाहिए बेटे, है ना, नेगेटिव प्रेशर होना चाहिए। और ये नेगेटिव प्रेशर ही क्या करता है, एफर्टलेस, बिना किसी एफर्टलेस, ठीक है ना, बिना किसी प्रयत्न के हम सांस लेते रहते हैं, अपने आप लेते रहते हैं। उसकी वजह यही होती है कि हमारे फेफड़ों में कैसा दाब होता है, नेगेटिव प्रेशर होता है बेटे, नेगेटिव दाब या प्रेशर उपस्थित होता है, जिससे हम बड़ी आसानी से सांस को लेते रहते हैं। तो बच्चों आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आंसर क्या होगा यहाँ पर, 3 हो जाएगा, आंसर वुड बी 3। 172 क्वेश्चन आ जाता है। 172 क्वेश्चन में यहाँ पर आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन गैसेस बिटवीन द एल्वेलाई एंड द ब्लड। हिंदी आ जाती है कि निम्न में कौन से कारक हैं कोपिका और रक्त के बीचों में, ठीक है ना, गैस के विसरण दर को प्रभावित करते हैं। तो एक एक देखते हैं हम लोग यहाँ पे कौन सा है। तो 172 में देखते हैं, क्या प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ द गैस, बिल्कुल जरूरी है, गैस हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती है, तो ये कारक होगा बेटे। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, गैस की घुलनशीलता, जो जितना ज्यादा घुलनशील होगा उसका उतना ज्यादा विसरण डिफ्यूजन होगा या विसरण होगा, तो ये भी ठीक है। थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, थिकनेस विसरण झिल्ली की मोटाई, बिल्कुल ये होगी, जितनी पतली होगी उतना आसानी से डिफ्यूजन होगा। तो बेटे तीनों कारक हो जाते हैं। अब तीनों कारक इसमें ऑप्शन में किसमें दिए हैं, दो में दिए हुए हैं, तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा। आंसर क्या होगा इसका, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका यहाँ पे हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 170 चलते हैं। हाउ मच अमाउंट ऑफ CO2 इज डिलीवर्ड बाई 100 ml ऑफ 1000 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। 100 उसके जगह 1000 कर दिया है, एनसीईआरटी ने 100 ml दिया है। एनसीईआरटी ने क्या लिखा है कि 100 ml में कितनी कितनी CO2 जा रही है, 4 ml जा रही है, ठीक है ना। तो 100 की जगह कितना हो गया है, 1000, 10 गुना हो गया कि नहीं हो गया। तो ये जब 10 गुना हो गया तो इसको 10 गुना कर दीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटे, 40 ml। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 171 का 40 ml आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आंसर होगा 40 ml, आंसर होगा 3 बेटे। आंसर क्या होगा यहाँ पे, 3 होगा, ये नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है ना, ये यहाँ पे। तो आंसर होगा क्या बेटे, 3। आंसर क्या होगा, 3। आपने 10 गुना कर देना है, ठीक है ना, आपके प्रति 100 ml 4 ml जा रही थी तो 1000 हो गया, और उसका 10 कर दीजिए 10 गुना, तो 40 हो गया। आंसर क्या हो जाता है, 3 हो जाएगा। विच ऑफ क्वेश्चन नंबर 174, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज प्राइमरी अफेक्टेड व्हेन द कोरोनरी सर्कुलेशन इज ब्लॉक्ड। कोरोनरी सर्कुलेशन आपको मालूम है कि ये बेटे सप्लाई कराएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, किसमें, हार्ट की मसल में, अगर आपको याद हो, ठीक है ना। हृदय परिसंचरण तंत्र में परिसंचरण अवरुद्ध होने में कौन सी संरचना प्रभावित होगी, तो यहाँ पर बेटे जो प्रभावित होगा वो क्या होगा, कार्डियक मसल होगा, और ये कार्डियक मसल का नाम आपके सामने दिया हुआ है, कार्डियक मस्कुलेशन बेटे, ठीक है ना। तो ये कार्डियक मसल हुआ, हृदय पेशी विन्यास हुआ, ये प्रभावित होगी, क्योंकि ये जो आपकी कोरोनरी सर्कुलेशन है ये बेटे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है ना, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये सप्लाई कराएगी हार्ट की मसल्स में, सप्लाई टू हार्ट मसल, सप्लाई टू हार्ट मसल, ये हार्ट मसल्स को क्या करेंगे, सप्लाई कराते हैं। तो ये यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटे अगले क्वेश्चन पे, 175। अस्थमा आया है बेटे यहाँ पर, अस्थमा पूछा गया है, ठीक है ना, जिसको दमा बोलते हैं आप हिंदी में, ये दमा आ गया है यहाँ पर। डिफिकल्ट ब्रीदिंग होती है, सांस लेने में कठिनाई होती है, और घरघराहट की आवाज आती है, ठीक है ना, घरघराहट होती है, क्यों होती है। देखिए अस्थमा जो रोग है, क्लास में डिस्कस किया गया है कि इसका मुख्य कारण जो होता है वो एलर्जी होता है। मुख्य कारण क्या है, एलर्जी हुआ। और जब एलर्जी है तो हमने पढ़ा था कि उसके ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स की जो स्मूथ मसल्स होती है वो इन्फ्लेम हो जाती है, सूजन आ जाती है, जिससे कि जो रेस्पिरेटरी पैसेज है वो नैरो हो जाता है, संकीर्ण हो जाता है। संकीर्ण होता है तभी हमको सांस लेने में क्या होती है, परेशानी होती है। तो बेटे 175 का आंसर अनडाउटली क्या होगा, 4 होगा। आंसर क्या होगा, 4 होगा। तो ये आंसर आ गया यहाँ पर, 4 आंसर क्या हो जाता है,
फोर हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है 176, न्यूरल सिग्नल फ्रॉम द नीमोटैक्सिक सेंटर कैन, न्यूमोटैक्सिक सेंटर न्यूरल सिग्नल आ रहे हैं कहाँ से, न्यूमोटैक्सिक सेंटर से, श्वास प्रभावी केंद्र से, तंत्रिका संकेत अगर आएंगे तो एनसीईआरटी बोलती है वो रिड्यूस करेंगे किसको बेटे, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, ठीक है ना, वो रिड्यूस करते हैं ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, ये एनसीईआरटी की लाइन है। अंतःश्वसन की अवधि को कम कर सकते हैं, देखिए ना दूसरे शब्दों में हम लिख सकते हैं कि वो रेस्पिरेशन रेट को क्या करेंगे बेटे, बढ़ा देते हैं, श्वसन दर को क्या करते हैं बेटे, बढ़ा देते हैं। दूसरे शब्दों में मैंने लिखा कि श्वसन दर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, आंसर हो गया टू, ठीक है। अब आ जाता है 177, कीमोसेंसिटिव एरिया डेट कैन ऑल्टर द रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म इज लोकेटेड इन, देखिए कीमोसेंसिटिव एरिया रसो संवेदी केंद्र ये आपका कहाँ पे होता है, तो ये उपस्थित है कहाँ पे, डीआरजी के साइड में, और डीआरजी कहाँ पे होता है आपने पढ़ा है मेडुला ऑब्लोंगेटा में, तो 177 का आंसर क्या हो जाएगा बेटे, आंसर क्या होगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा आंसर होगा वन, ठीक है ना, नियम हो जाएगा आंसर होगा वन। कीमोसेंसिटिव एरिया बिल्कुल यहाँ पर जो आपका श्वसन लय केंद्र है या रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है बिल्कुल उसके एडजेसेंट या उसके बगल में उपस्थित होता है, ठीक। 178, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर शिफ्ट द ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व टुवर्ड द राइट साइड, ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व कुछ ऐसे आपने बताया था, ठीक है ना, ये यहाँ पर PO2 था, यहाँ पे आपका परसेंट हीमोग्लोबिन था जो कि ऑक्सीजन के साथ में क्या हुआ था, सैचुरेट हो रहा था, तो ये किन कंडीशंस में राइट साइड में शिफ्ट होगा ये हमको यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो राइट साइड में शिफ्टिंग होनी है, इंक्रीज इन PO2 नहीं, ये नहीं करेगा, डिक्रीज इन CO2 नहीं करेगा, डिक्रीज इन हाइड्रोजन नहीं करेगा ये, ठीक है ना, तो रह गया कौन सा बेटे, आंसर होगा यहाँ पर देखिए पीएच की कमी हो रही है, पीएच की कमी हो रही है यानी कि हाइड्रोजन आयंस क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन आयंस बढ़ रहे हैं यानी CO2 क्या कर रही है, बढ़ रही है, CO2 बढ़ रही है तो एसिडिटी क्या कर रही है बेटे, बढ़ रही है, अम्लीयता क्या करेगी, बढ़ेगी, और जब भी ये कंडीशन होंगी जो कर्व होगा जो वक्र होगा वो कहाँ की ओर विस्थापित होगा, वो दाई ओर क्या होता है, विस्थापित होता है, तो अगर यहाँ पे ले तो ये ऐसे कुछ दाई ओर विस्थापित होगा, राइट साइड में विस्थापित हो जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले में 179, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा, ठीक है, ये हुआ यहाँ पर, तो देखते हैं, RH एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर डिस्ट्रॉय द फीटल RBC, ठीक है ना, हिंदी आ जाता है माँ की RH प्रतिरक्षी भ्रूण के RBC को नष्ट कर देती है, बेटे ये स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है ना, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। इट कुड कॉज सीवियर जॉइंटिस एंड एनीमिया टू द चाइल्ड, ये भी स्टेटमेंट राइट है, बच्चे में पीलिया और एनीमिया हो जाता है, ये भी राइट है। RH नेगेटिव मदर ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी विद RH पॉजिटिव रिलीजेस RH एंटीबॉडीज इन टू द फीटल सर्कुलेशन, ये गलत है बेटे, यही गलत है, तो जब गलत है तो बेटे आंसर क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, आंसर क्या होगा यहाँ पर, थ्री हो जाएगा, ये गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट प्रेगनेंसी बोला है, हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी जो होगी वो नॉर्मल हो जाती है, फर्स्ट प्रेगनेंसी कैसी होगी, वो नॉर्मल होती है क्योंकि फीटस का ब्लड और मदर का ब्लड प्लेसेंटा द्वारा क्या होता है, सेपरेट होता है, अलग होता है, वो आपस में मिश्रित नहीं होता है, और मिश्रित कब होगा, जब प्रसव होगा, जब पार्चुरेशन होगा, चाइल्ड बर्थ होगा, तब तक तो चाइल्ड मदर से बॉडी से बाहर चला जाएगा, तो फीटस में किसी भी तरह से उसके सर्कुलेशन में RH एंटीबॉडी नहीं आती है, तो ये इसको आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, थ्री हो जाएगा। 180 पे आता हूँ बेटे मैं यहाँ पर, एंजाइम पूछा है कि एंजाइम कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट इनएक्टिव प्रोथ्रॉम्बिन प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, इनएक्टिव प्रोटीन प्रोथ्रॉम्बिन, अब देखिए अगर आपको रिएक्शन याद हो यहाँ पर, ठीक है ना, रिएक्शन अगर आपको याद होगा तो आपको ये 180 में कि एंजाइम कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट एन इनएक्टिव प्रोटीन प्रोथ्रॉम्बिन, प्रोथ्रॉम्बिन में आपने पढ़ा है थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है ना, या फिर इसी का एक और नाम है थ्रोम्बिनेज, इसी का दूसरा नाम क्या है बेटा, थ्रोम्बिनेज, प्रोथ्रॉम्बिनेज आपने ये भी पढ़ा होगा, प्रोथ्रॉम्बिनेज, ठीक है ना, ये आ जाता है प्रोथ्रॉम्बिनेज। अब ये देखिए यही यही क्या करता है,
तो हमने पढ़ा है कि ये मान लीजिए थ्रोम्बोकाइनेज है, इसकी प्रेजेंस में आपका यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो कन्वर्ट होता है किसमें, प्रोथ्रोम्बिन इज कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन, ठीक है ना, ये आ गया यहाँ पर। तो बेटा ये एक्टिव फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है ना, ये यहाँ पर इसकी एक्टिव फॉर्म है और ये इसकी कैसे फॉर्म है, इनएक्टिव फॉर्म है। तो ये बीच का एक रिएक्शन आपको दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटे, आंसर हो जाएगा थ्रोम्बोकाइनेज, इसी का दूसरा नाम है प्रोथ्रोम्बिनेज, प्लीज याद रखिएगा। यहीं पर हम किस नाम से पढ़ते हैं, प्रो थ्रोम्बिनेज, वर्ड आ जाता है प्रो थ्रोम्बिनेज, ठीक है ना, ये आपने यहाँ पे पढ़ लिया। अब आ जाता है 181, 181 में देखते हैं यहाँ पर वो पूछ रहा है लिम्फेटिक सिस्टम कलेक्ट ए एंड ड्रेन्स इन बैक इनटू, यहाँ पर तो कलेक्टिव देखिए जितना भी लिम्फेटिक सिस्टम है वो टिश्यू फ्लूड को बेटे इकट्ठा करता है और इकट्ठा करने के बाद उसको वापस ब्लड में भेज देता है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन बनता है, तो टिश्यू फ्लूड के लिए आंसर ये आ गया, देखिए ए आ गया टिश्यू फ्लूड और बी आ गया कौन सा बेटे, मेजर वेन्स, वो मेजर वेन्स हो, वेन्स के थ्रू हार्ट में जाएगा और मिक्स हो जाता है बेटे यहाँ पे ये आके ब्लड के साथ में। तो कोई इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है वैसा डिस्कशन कुछ नहीं है, तो आंसर क्या हुआ बेटे, फोर हो जाता है, आंसर क्या होगा यहाँ पे, फोर हो जाएगा, ठीक, ये आंसर हो गया फोर, ठीक है ना। लसिका तंत्र इस, ठीक है ना, ऊतक द्रव को एकत्र करके कहाँ पे भेज देगा इसे बेटे, ठीक है ना, वो शिराओं में भेज देता है, ठीक है ना, शिराओं में भेज देगा, शिराओं से वो क्या होगा, रक्त में मिल जाएगा, हृदय में चला जाएगा और परिसंचरण तंत्र में आ जाता है। 182 देखते हैं, अ यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड लीवर, देखिए दो सिस्टम आ गए हैं यहाँ पर, एक बोल रहा है विशिष्ट संवहनीय संबंध जो कि पाचन तंत्र और यकृत में आ रहा है, तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर है बेटे, आंसर क्या होगा, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, आंसर क्या होगा, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम आपको याद रखना है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम ये आपको याद रखना है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है ना, क्यों जाता है रक्त, मैंने क्लास में डिस्कस करा हुआ है। तो आंसर बेटे डायरेक्ट क्वेश्चन है इसका, तो आंसर क्या होगा, थ्री हो जाएगा, आंसर क्या होगा यहाँ पर, थ्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, 183 में चूज द ऑड वन, देखिए ऑड वन आ गया है यानी विषम हमको चुनना है, तो ये देखिए विषम आ गया, हृदय कक्षों के संदर्भ में, ठीक है ना, हृदय कक्षों के संदर्भ में हमको यहाँ पर चुनना है, चूज द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ चैम्बर्स इन द हार्ट, ठीक है। तो अब इसमें चैम्बर्स की बात हो रही है, ऑड वन विषम हमने चुनना है, तो देखते हैं क्या होता है बेटा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्रोकोडिलस है, ठीक है ना, क्रोकोडिलस में चार कोस्ट का क्या होता है, आपका हृदय होता है या फोर चैम्बर हार्ट होता है, मैक्रोपस में भी बेटे आपका क्या होगा, फोर चैम्बर हार्ट होगा, पैवो बर्ड हो जाती है, पावो बर्ड हो जाती है, इसमें भी क्या होगा बेटे यहाँ पर क्या होगा, फोर चैम्बर हार्ट होगा, लेकिन जो बैंगेरस है ये स्नेक हो गया, सांप हो गया, और सांप आते हैं किसमें, रेप्टाइल्स में, और रेप्टाइल्स में कितने वेश्म होते हैं बेटे, थ्री कोस्ट, तीन कोस्ट का हार्ट हृदय होता है, तो ये विषम हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, ये विषम हुआ, बाकी सब में, बाकी चंबे फोर चैम्बर, फोर चैम्बर हार्ट, फोर चैम्बर हार्ट, इसमें कितना हो गया, थ्री चैम्बर हार्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटे, टू हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाता है टू। 6184 बेटे, कॉर्डेट टेंडन इज द फाइब्रस कनेक्शन बिटवीन, फाइबर को किसको किससे जोड़ता है, कॉर्डेट टेंडन ही अगर आपको याद हो ऐसे हृदय बनाया था हम लोगों ने, ठीक है ना, यहाँ पर ये यह ऐसे कुछ हृदय बनाया था, यहाँ पे वेल्स बनाए थे बेटे यहाँ पर, और ये हमने पेशी बनाई थी यहाँ पर इसके कुछ ऐसे, तो इससे तीन निकल रहे थे, इससे दो निकल रहे, तो यही शब्द आता है, इसी को हमने क्या नाम दिया था, कॉर्डी टेंडेनी। तो देखिए किसको किससे जोड़ रहे हैं, 184 को देखिए, तो एट्रियल वॉल को वेंट्रिकल वॉल से जोड़ रहे हैं, नहीं, एट्रियल वॉल को फ्लैप ऑफ एवी से जोड़ रहे हैं, नहीं, वेंट्रिकुलर वॉल एंड द फ्लैप ऑफ एवी, ये एवी वाल्व आ गए बेटे, है ना, ये एवी कपाट या एवी वाल्व आ जाते हैं, तो इसको जोड़ते हैं किसके साथ में, वेंट्रिकल, तो आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही है, आंसर क्या हो जाएगा, थ्री बेटे, ये दोनों गलत हैं, दोनों क्या, तीनों गलत हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बेटे, थ्री हो जाएगा, आंसर क्या होगा, थ्री हो जाएगा, यहाँ पर आंसर क्या होगा, थ्री हो जाएगा, ठीक है ना, 184 का आंसर क्या होगा, थ्री। ओके 185 देखते हैं यहाँ पर, 185 में एक हेल्दी पर्सन है जो
अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में 6 लीटर ब्लड पंप कर रहा है, यानी कार्डियक आउटपुट आपको दिया हुआ है 6 लीटर। 6 लीटर का मतलब हमने लिख दिया 6000 ml, ठीक है ना बच्चों, ये हो गया। ठीक है, फिर बोल रहा है हार्ट रेट ऑफ उसका जो है वो 60 है, ठीक है ना, उसका हार्ट रेट कितना है वो 60 टाइम्स आ रहा है। तो वो पूछ रहा है कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में वो यहाँ पे पूछ रहा है। तो कार्डियक आउटपुट का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट बीट पर मिनट, ठीक है ना, हार्ट बीट पर मिनट, ये स्ट्रोक वॉल्यूम हुआ। तो ये 6000 इधर आ गया बेटे, स्ट्रोक वॉल्यूम हमको निकालना है, और ये हमको कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है इंटू है। अब ये 60 को यहाँ पे ले आइए बेटे, तो ये 6000 अपॉन क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये गया आपका, ठीक है ना, तो कितना आंसर हो जाएगा बेटे, देखो यहाँ पर 6 1 6, तो आंसर कितना हो गया, आंसर हो जाएगा यहाँ पर कितना आंसर हो गया, ठीक कहाँ गया, हाँ बच्चों ये आ गया आपका 185 का, 185 का आंसर क्या हो जाएगा, इट बिकम यहाँ पे आ जाएगा ये 100 ml, कितना आ गया यहाँ पर 100 ml, आंसर कितना हो गया यहाँ पर 100 ml आंसर हो जाता है। तो ये आपने यहाँ पर इसके बारे में बता दिया, ठीक है ना, ये यहाँ पर 6000 है, 60,000 नहीं है, 6000 है, ठीक है ना। तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 100 ml, ठीक है ना। सिंपल फॉर्मूला याद रखना है कि कार्डियक आउटपुट बराबर होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट बीट पर मिनट, ठीक है ना, हार्ट बीट पर मिनट, बस ये याद रखना है। ये आपको दिया है, ये आपको दिया है, ये आपको फाइंड करना है, बस ये आपका आंसर ये आ जाता है। सेक्शन बी में चलते हैं बेटे, यहाँ पर 186 देखिए, करेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू द फैक्टर एंड अफेक्ट द ऑक्सीजन हीमो डिसोसिएशन कर्व। ये करेक्ट आंसर ऑक्सीजन हीमो डिसोसिएशन कर्व, ये आपको देखने हैं। ये यहाँ पर फैक्टर्स दिए हुए हैं और इनकी शिफ्टिंग दी हुई है कि ये स्थानांतरित हो रहा है, विस्थापित हो रहा है बाई ओर या दाई ओर, ये आपको देखना है। तो देखते हैं हम लोग क्या है इसका आंसर, इसमें यहाँ पर करेक्ट देखा है, हाई टेम्परेचर में लेफ्ट साइड नहीं बेटे, लेफ्ट साइड नहीं होगा, राइट साइड होगा, ठीक है ना। फिर लो टेम्परेचर, लो PCO2 है, लो POCO2 में कभी भी लेफ्ट साइड नहीं होगा, कहाँ पे होगा बेटे, ये भी गलत है, ये लेफ्ट साइड होगा, ठीक है। अब आ जाता है हाई हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 186 में यहाँ पर, सॉरी ये हो गया ना, लो PCO2 है, तो लो PCO2 में प्लीज यहाँ पर आप देखेंगे, लो PCO2 में यही आंसर होगा, क्योंकि क्यों होगा, क्योंकि प्लीज देखिएगा लो PCO2 है, यानी CO2 कंटेंट कम है, तो कर्व कहाँ पे शिफ्ट होगा बेटे, लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा, आंसर 2 होगा बेटे, आंसर क्या होगा, आंसर होगा 2, ठीक है, आंसर होगा 2, यहाँ पे भी आंसर क्या हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। हाई हाइड्रोजन आयन है तो ये लेफ्ट में नहीं होगा, कहाँ पे होगा बेटे, ये गलत है, ये राइट और शिफ्ट होगा। हाई PO2 है तो ये राइट में नहीं होगा बेटे, ये गलत है, कहाँ पे होगा, लेफ्ट साइड में होगा। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बताया और इसका आंसर बताया क्या होगा बेटे, 2 आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाता है 2, ठीक है। अब चलते हैं बेटे नेक्स्ट, उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन 187, अ क्रॉनिक डिसऑर्डर इन विच द एल्वियर वॉल आर डैमेज ड्यू टू द एक्सेसिव स्मोकिंग। देखिए यहीं से आप पकड़ लेना चाहिए आपको, ठीक है ना, एक्सेसिव स्मोकिंग में एक ही हमारे NCERT ने उसमें डिजीज या डिसऑर्डर दिया है, और वो कौन सा है बेटे, एम्फाइसिमा, ठीक है ना, रिड्यूस सरफेस एरिया ये आ जाता है। दीर्घकालिक विकार, ठीक है ना, जिसमें अत्यधिक धूमपान के कारण कूपीय भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिसके कारण श्वसन सतह क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्या कहलाता है बेटे, वात स्फीति कहलाता है। तो बच्चों यहाँ पे डायरेक्ट आंसर NCERT का क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, 1, आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 187 का आंसर क्या हो गया, 1 हो जाता है। 188 पे चलते हैं, एक पर्सन का ब्लड ग्रुप देखते हैं यहाँ पर क्या है, कैसा है, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं अगला बेटा, देखिए अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, सॉरी, ठीक है ना, ओ नेगेटिव कैन डोनेट टू एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को डोनेट कर सकता है अंडर एबीओ सिस्टम, ठीक है ना। ओ नेगेटिव रक्त समूह का व्यक्ति एबीओ प्रणाली में किसी के तहत भी वो क्या कर सकता है, अपने रक्त को, ठीक ना, रक्त दान कर सकता है, क्यों कर सकता है, यहाँ पर देखते हैं। आपको सिर्फ ध्यान रखना है एंटीजन और एंटीबॉडी का,
एंटीजन जो होते हैं वो आरबीसी की सतह पे होते हैं, जबकि एंटीबॉडी हमने पढ़ा है कि वो प्लाज्मा में होते हैं। और 188 का आंसर देखते हैं यहाँ पर, हैव ए और बी, ये एंटीजन की बात हो रही है तो ये गलत हो गया बेटे, ठीक है ना, एंटीजन होते ही नहीं है। लैक ए बी एंड आर एच एंटीजन ऑन आरबीसी, ठीक है ना, तो यहाँ पर बिल्कुल सही है कि उस पे ए एंटीजन भी नहीं होता है, बी भी नहीं होता है और आर एच भी नहीं होता है, कहाँ पे, आरबीसीज में बेटे। तो आंसर क्या होगा इसका, टू होगा, आंसर क्या होगा यहाँ पे, टू होगा, ठीक है ना। जब इस पे एंटीजन ही नहीं है तो वहां पे किसी तरह की क्या बोलते हैं कि कोई इनकम्पेटिबिलिटी या फिर कोई रिएक्शन होने की संभावना नहीं होगी, तो यही यूनिवर्सल डोनर हो जाता है बच्चों, ठीक है ना, यही यूनिवर्सल क्या होता है, डोनर हो जाता है। आंसर क्या होगा, टू होगा, आंसर होगा यहाँ पर टू, ठीक है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 189। इन एम्फीबिया लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल द फॉलोइंग पार्ट एक्सेप्ट, एम्फीबिया पूछा है बेटा, लेफ्ट एट्रिया की बात पूछी है, ठीक है, और लेफ्ट एट्रिया की बात में अगर आपने एम्फीबिया का पढ़ा है तो उसमें पाया जाता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र, क्योंकि वेंट्रिकल क्या होता है, कॉमन होता है, कॉमन में से एक ही चैम्बर होता है जहां पे मिक्सिंग ऑफ क्या होगा, ब्लड होता है, जहां पे मिक्सिंग ऑफ क्या होगा, ब्लड होता है। तो अब उसमें कहाँ कहाँ से ब्लड आ रहा है, क्लोम गिल से आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है ना, लंग से आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है ना, फेफड़ों से आ रहा है, स्किन से आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, लेकिन कहाँ से नहीं आएगा, यकृत से नहीं आएगा, यकृत से बेटे नहीं आता, ऑक्सीजनेटेड नहीं आएगा, ठीक है ना, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनित नहीं आएगा, डीऑक्सीजनेटेड आएगा, वो बात सही है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड है वो क्या है इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनित रक्त कभी नहीं आएगा, अनऑक्सी करेक्ट आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, फोर्थ होगा, आंसर क्या होगा यहाँ पे, फोर्थ होगा, ठीक है ना, आंसर क्या होगा, फोर्थ होगा, तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। अब हम पहुंचे यहाँ से अगले कोई प्रश्न पे, अब आ जाता है यहाँ पर, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन द अमाउंट ऑफ ओ2 डिलीवर टू टिश्यू बाई एवरी एवरी 1000 ml लिखा हुआ है, तो एनसीईआरटी ने ओ2 डिलीवर 100 ml कितना दिया हुआ है, 5 बेटे, ठीक है ना, 500 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कितनी ml ऑफ ऑक्सीजन ले जा रहा है, 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। अब क्वेश्चन ने इसका 1000 कर दिया, 10 times कर दिया, तो आप इसका 10 times कर दीजिए, और जब इसका 10 times करा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 190 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, टू हो जाएगा, 190 का आंसर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, समझे मेरी बात को। एनसीईआरटी ने यहाँ पर प्रत्येक 1000 ml की जगह एनसीईआरटी ने कितना दिया हुआ है, 100 ml, ठीक है ना, और 100 ml जो रक्त है वो कितनी ऑक्सीजन ले जा रहा है बच्चों, वो कितनी ऑक्सीजन ले जा रहा है, तो आपने बोला सर 5 ml ऑक्सीजन ले जा रहा है, ऐसे तो पढ़ा है हम लोगों ने, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ने क्या किया, इसको कर दिया 1000, 10 गुना कर दिया, तो इसको भी 10 गुना कर दीजिए, 5 × 10 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 50 ml हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाता बेटे, आंसर होगा टू, आंसर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाता है टू। 191 पे चलते हैं यहाँ पे, अगले क्वेश्चन पे यहाँ पर चलते हैं। नॉर्मल मस्कुलेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन हार्ट, देखिए नोडल मस्कुलेशन की बात हो रही है, नोडल पेशी की बात हो रही है जो सामान्य लयात्मक संकुचन का प्रारंभ करती है बेटे, और प्रारंभ करने की क्षमता केवल और केवल किसके पास में है, ना तो इसके पास में है, ना इसके पास में है, ना इसके पास में है, किसके पास में है बेटे, वो आ जाता है एसए नोड, क्या आ जाता है, एसए नोड, हम शॉर्ट में बोलते हैं सैन, ठीक है ना, ये एसए नोड, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटे, थ्री हो जाएगा, आंसर क्या होगा, थ्री हो जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर क्या हो जाता है, थ्री हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना, आंसर क्या हो गया, थ्री हो गया, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत सारी आपको दिक्कत आएगी। क्वेश्चन नंबर 192 चलते हैं बेटे, 192 देखते हैं क्या है। अब चूज द इनकरेक्ट मैच, देखिए फिर आ गया यहाँ पर इनकरेक्ट मैच आ गया है, यानी हमको यहाँ पर गलत मिलान को चुनना है, तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 192, ठीक है ना। अब 192 में देखिए यहाँ पर कि कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, यानी ये बात कर रहा है किसकी, ज्वाइंट डायस्टोल की बेटे, ये बात कर रहा है किसकी, ज्वाइंट डायस्टोल, संयुक्त अनुशीतलन,
ठीक है ना, ये डायस्योर। और वो कितनी देर के लिए होता है? 0.4 सेकेंड के लिए। पूर्ण हृदय अनुशीतलन, बिल्कुल राइट है। वेंटिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड, बिल्कुल सही है। यहाँ पर वेंटिकुलर डायस्टोल कितनी देर के लिए होगा? 0.5 सेकेंड, बिल्कुल राइट है। डायस्टोल उसने बोला है, एट्रियल डायस्टोल ये दिया है 5 सेकेंड, और ये गलत दिया हुआ है। तो हमको गलत ही तो चुनना था, हमको गलत ही मिलान करना था। तो आंसर क्या होगा बेटे? 4 होगा। आंसर क्या होगा? 4 होगा। आंसर क्या होगा? 4 होगा। अगर इसका करेक्ट आंसर करना है तो इसका आंसर क्या होगा बेटे? 0.7 सेकेंड। आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? 0.7 सेकेंड। आप कार्डियक साइकिल देखिएगा, मैंने जहाँ पे आपको पढ़ाया हुआ है उसके इवेंट्स पढ़ाए हुए हैं, उसका टाइमिंग साथ साथ में बताया हुआ है, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 193 पे चलते हैं कि फॉर रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट इन कीमो सेंसिटिव एरिया आर स्टिमुलेटेड बाय। स्टिमुलेशन के बाद देखिए यहाँ पर पूछ रहा है रेगुलेशन रेस्पिरेशन का, और कीमो रिसेप्टर्स की बात कर रहा है, ठीक है ना, जो कीमो सेंसिटिव एरिया में प्रेजेंट है। रसो संवेदी क्षेत्र की उपस्थिति बता रहा है, जो कि रसोग्राही जो किसके द्वारा उद्दीपित होते हैं। तो यहाँ पर जो उद्दीपित हो रहा है, आपने पढ़ा हुआ है अच्छी तरह से कि आंसर डायरेक्ट बेटे आंसर है 4 होगा। CO2 और हाइड्रोजन आयन्स, इनके लिए ये क्षेत्र कैसे होते हैं? अति संवेदनशील होते हैं, और इन्हीं का डिटेक्शन होता है बेटे, इन्हीं का डिटेक्शन होता है, इसी को डिटेक्ट किया जाता है। तो बच्चों आंसर डायरेक्ट होगा, आंसर क्या होगा? 4 होगा। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 4 हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपने बताया। 194 बेटे, अमंग द फॉलोइंग विच ब्लड वेसल कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है ना, वो पूछ रहा है कि निम्न में से किस कौन सी रुधिर वाहिका में डी ऑक्सीजनेटेड या वी ऑक्सीजनित रक्त वहन करती है या कैरी करती है। तो पल्मोनरी आर्टरी, अगर इसको अगर आपको याद हो तो बिल्कुल आपका डायरेक्ट आंसर हो जाता है पल्मोनरी आर्टरी। अकेली आर्टरी जिसमें कैसा रक्त होता है बेटे? जिसमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जिसमें कैसा ब्लड होता है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड या रक्त होता है, ठीक है ना, अकेली आर्टरी। हम अपने शरीर की बात करें तो अकेली आर्टरी जिसमें कैसा ब्लड होगा? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जिसमें कैसा ब्लड होगा? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो उपस्थित होता है या प्रेजेंट होता है। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 हो जाएगा। 195 ये क्वेश्चन आपके सामने है बेटे। अब 195 में यहाँ पे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पूछी हुई है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन अगर आपको याद हो, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, ऐसे क्लास में हम लोगों ने एल्विओलाई बनाई थी, ये नीचे ऐसे ब्लड वेसल बनाई थी, ठीक है ना, ऐसे यूं करके। और देखिए यहाँ पर ये इसकी सिंपल क्या आ गया, स्क्वामस एपिथीलियम। यहाँ पे ये सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम इसका आ गया बेटा यहाँ पर। तो ये इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, आधार कला जिसे बोलते हैं, ये इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई। ये यहाँ पर आपने सिंपल स्क्वामस एपिथीलिया पढ़ा था, यहाँ पर ब्लड वेसल का एंडोथीलियम जिसको ये, ठीक है ना, ये भी सिंपल स्क्वामस एपिथीलिया लेकिन एंडोथीलियम नाम दिया था। तो यहाँ पर ये मेम्ब्रेन, इसकी ये वाली मेम्ब्रेन, ये वाली मेम्ब्रेन, और यही मिलके क्या बनाते हैं? ये मिलके बनाते हैं क्या बेटे? आपका डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, या फिर फेफड़ों की विसरण झिल्ली जिसे आप नाम दिया हुआ है हिंदी में, तो यही बनाते हैं बेटे। तो अब आपके सामने है, तो आंसर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। कॉलमनर एपिथीलिया आ गया, तो यहीं से आप पकड़ लीजिए ये स्टेटमेंट गलत है बेटे। यहाँ पर भी कॉलमनर एपिथीलिया, ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर सीलेटेड कॉलमनर, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो बचा क्या हमारे पास बेटे? तीसरा बच्चा। आंसर क्या होगा? थर्ड होगा। आप खुद ही देख लीजिए, थिन स्क्वामस एपिथीलिया ऑफ एल्विलाई ये आ गया, देखिए थिन स्क्वामस एपिथीलिया ऑफ एल्विलाई। एंडोथीलियम ऑफ एल्विलर ये आ गया, एंडोथीलियम ऑफ एल्विलर। एंड बेसमेंट सब्सटेंस, दो बेसमेंट और इनके बीच में जो कुछ में, ये आ गया बेसमेंट सब्सटेंस। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? कोपिका की पतली शल्की उपकला, कोपी केशिकाओं की एंडोथीलियम, ठीक है ना, ये केशिकाएं हैं इसकी एंडोथीलियम, ये भी सरल शल की उपकला की बनी होती है। और बीच में आ गया कौन सा बेटे? आधारीय पदार्थ जिसको बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये आपके सामने डायग्राम है, अगर आप दो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब आता है अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर 196 क्वेश्चन आया हुआ है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, ठीक है। और इसमें हमको थोड़ा
क्या करना है कि इनमें से ट्रू कौन सा है, इनमें से बेटे सही विकल्प कौन सा है, वो हमने देखना है, ठीक है ना, सही वाले को देखना है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है कैसे है। इंक्रीज वेंटिकुलर प्रेशर कॉजेज क्लोजर ऑफ एवी वेल्व। तो अगर देखिए ये मैं हार्ट ले रहा हूँ यहाँ पर समझाने के लिए, ये मैंने एक हार्ट लिया यहाँ पर, ये इसके चैम्बर्स हैं, आपको मालूम है कौन से क्या है, कौन सी ब्लड वेसल कहाँ पे है, कैसी है, ठीक है ना, उसकी आवश्यकता नहीं है मुझे बताने की। अब आपने पढ़ा था कि ब्लड इधर आ जाता है, ब्लड इधर आ जाता है, और जब ब्लड इधर आएगा तो प्रेशर यहाँ पे बढ़ता है, प्रेशर यहाँ पे बढ़ता है, तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये वाला ब्लड यहाँ जाने की कोशिश करेगा, ये वाला ब्लड यहाँ जाने की कोशिश करेगा, और जब ये कोशिश करेगा तो इस कोशिश को मैंने क्लास में बोला था नाकाम कर देता है कोई, तो कौन नाकाम करेगा, तो ये बंद हो जाते हैं बेटे। ये कौन से वाल्व थे, ट्राइकस्पिड वाल्व बेटे, ठीक है ना, ट्राइकस्पिड वॉल्व, टीसी भी बंद हो जाते हैं, और यहाँ पर बेटे ये बंद हो जाते हैं, ये कौन से थे, बाइकस्पिड वॉल्व, ये बंद हो जाते हैं। दोनों को मिला के आप क्या नाम देते हैं बेटे, एवी वॉल्व। इन दोनों को बीसीबी और टीसीबी को मिला के क्या नाम देते हैं आप, ये आ जाते हैं एवी वेल्व, ठीक है ना। तो ये आपको मैंने फिजियोलॉजी पढ़ाई हुई है, ठीक, तो ये जब फिजियोलॉजी पढ़ाई हुई है तो आंसर अब आप ढूंढ लेंगे आसानी से क्या होता है, क्या होता है। तो आंसर देखिए क्या लिखा है, इंक्रीज वेंटिकुलर प्रेशर कॉज द क्लोजर ऑफ एवी वेल्व। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है बेटा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, इंक्रीज वेंटिकुलर प्रेशर कॉज द ओपनिंग ऑफ, ये स्टेटमेंट गलत है, इंक्रीज वेंटिकुलर प्रेशर कॉज द क्लोजर ऑफ सेमी न्यूरल वाल्व। सेमी न्यूरल वाल्व से कोई लेना देना नहीं है, बड़े ही नीले बड़े हुए नीले ही दाब के कारण एवी कपाट का बंद होना, ये राइट है, बड़े हुए नीले दाब के कारण ये खुल जाते हैं, ये गलत है, बड़े हुए नीले दाब के कारण अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाते हैं, ये भी गलत है। तो केवल एक विकल्प सही है ए, और जब ए सही है तो आंसर क्या हो गया बेटे, वन हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, वन हो जाता है, आंसर क्या हो जाता है, वन हो जाता है, ठीक है ना, ये आपने यहाँ पे बताया। अब अगला आ जाता है बेटे यहाँ पर 197, ये कॉलम आपके सामने, ये ब्लड वेसल्स के आपको पार्ट दिए हुए हैं, ठीक है ना, ब्लड वेसल्स के आपको यहाँ पर पार्ट दिए हुए हैं, और ब्लड वेसल्स में आपको देखना है कौन सा सही है। तो देखते हैं ट्यूनिका एंटीमा, ट्यूनिका एंटीमा यहाँ पर आ गया, और ट्यूनिका एंटीमा किसका बना होता है, आपने पढ़ा हुआ है सिंपल स्क्वैमस का पढ़ा बना होता है, ठीक है ना। यहाँ पर बी आ गया ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया किसका बना होता है, तो ये बना होता है स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर का बना होगा, ठीक है ना। तो ए के साथ आपका आ रहा है यहाँ पर, ए के साथ आ रहा है ये टू, ठीक है ना, बी के साथ, ये बी के साथ वन आ रहा है, और ट्यूनिका एक्सटर्ना बेटे फाइबरस कनेक्टेड टिश्यू विद कोलेजन फाइबर। तो यहाँ पर आंसर देख लीजिए बेटे क्या हो गया, आंसर हो जाएगा टू बेटे, आंसर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ट्यूनिका, ट्यूनिका ये मैंने आपको इंग्लिश में ही पढ़ाया हुआ है, बिल्कुल इसी तरह आपको मैच करना है, ए के साथ ये टू हो जाएगा, और ये स्मूथ मसल के साथ हो जाएगा, ये सीधा इससे हो जाएगा बेटे, ठीक है ना। आंसर क्या होगा यहाँ पर, टू होगा, आंसर क्या होगा, आंसर होगा टू। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि हिपेटिक पोर्टल वेन, ठीक है ना, यकृत, यकृत नलिका शिरा रक्त को पहले दैहिक परिसंचरण, ठीक है ना, तो कैरीज ब्लड फ्रॉम एक्स टू वाई, इसमें एक्स क्या है और वाई क्या है, और सिंपल सा वर्ड लिखा है हेपेटिक पोर्टल, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम की बात हो रही है। अगर आपको याद हो कि हमारा एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल का रक्त जो होता है सीधा बेटे पश्च महाशिरा में नहीं जाता है, आईवीसी में नहीं जाता है, वो चला जाता है कहाँ, लिवर में, ठीक है ना, तभी तो दोनों के बीच में एक सिस्टम बना, तो उसी को हमने नाम क्या दिया था, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है ना, यकृत नलिका शिरा। तो आंसर आपके सामने है, बिल्कुल सीधा सा आंसर है इसका, ठीक है ना। तो ब्लड फ्रॉम एक्स, एक्स के लिए वर्ड आ गया क्या, इंटेस्टाइन, और वो कहाँ जा रहा है, वाई में, वाई के लिए वर्ड क्या आ गया, लिवर, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटे, आंसर क्या होगा, टू हो जाएगा, ठीक है ना। आंतों का पूरा जो रक्त है वो पहले लीवर में जाता है, लीवर, ठीक है ना, लीवर में जाता है, क्यों जाता है वो मैंने आपको हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में डिटेल में बताया हुआ है, आप उसको टॉपिक को देख सकते हैं। 199 आ जाता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस पूछा गया है बेटे, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो होता है
वो एंजाइम होता है, दुनिया का फास्टेस्ट एंजाइम के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन में वो बोल रहे हैं कि ओनली आरबीसी है, ओनली आरबीसी गलत है यहाँ पर। फिर बोला हाई कॉन्सेंट्रेशन प्लाज्मा ओनली, ओनली वर्ड गलत है यहाँ पर, ओनली नहीं होगा। लो कॉन्सेंट्रेशन इन आरबीसी लार्ज इन प्लाज्मा, ये गलत है बेटा, ठीक है ना। यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो बचा कौन सा अपने पास में, फोर्थ। ये दोनों स्टेटमेंट तीनों गलत हैं, ये राइट हुआ। वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन इन आरबीसी एंड थोड़ा सा प्रेजेंट होगा प्लाज्मा में, राइट है। आरबीसी में बहुत अधिक मात्रा सांद्रता होगी, प्लाज्मा में न्यूनतम मात्रा होगी। ये आंसर, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर, फोर हो जाता है। आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर, फोर हो जाता है। तो ये 199 हुआ। 199 के बाद में ये आपका लास्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 200 मैंने लिया। विच अमंग द फॉलोइंग स्ट्रक्चर दो पार्ट ऑफ कंडक्टिंग पाथवे ऑफ द रेस्पिरेटरी इज नॉट सपोर्टेड बाई इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग। वो इनकम्प्लीट बोल रहा है, इनकम्प्लीट बोल रहा है, इनकम्प्लीट, ठीक है, ये इनकम्प्लीट। विच अमंग द फॉलोइंग स्ट्रक्चर दो द पार्ट ऑफ कंडक्टिंग पाथवे रेस्पिरेटरी और सपोर्टेड बाय द इनकम्प्लीट। आपने इनकम्प्लीट, आपको याद होगा हमने कुछ ऐसे पार्ट बनाया था, ये इनकम्प्लीट रिंग्स बन रहे हैं बेटा। और फिर ये आगे चल के प्राइमरी सेकेंडरी में इसमें डिवाइड हो गया था, फिर ये डिवाइड हो गया था सेकेंडरी में, फिर डिवाइड हुआ था टर्शरी में, मेरे ख्याल में आपको याद आ गया होगा, ठीक है ना। तो कहाँ पे ये नहीं सपोर्ट करते हैं, तो अब इसको हमने आंसर देखना है। तो वो ट्रेकिया को करेंगे, इसको भी करेंगे, ठीक है ना। इनिशियल ब्रोंक्योल किसको नहीं करेंगे, फोर्थ बेटर, टर्मिनल ब्रोंक्योल्स को, अंतस्थ धमनी, यहाँ पे श्वसनिका को वो सपोर्ट नहीं करते हैं। तो आंसर क्या हो जाता है बेटे, फोर हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, फोर। आंसर क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका एफटी पेपर मैंने आपसे डिस्कस किया, टेस्ट नंबर फोर, ठीक है ना। एफटी टेस्ट आपसे डिस्कस किया, पूरा क्वेश्चंस डिस्कस करे। फिर भी आपको किसी प्रश्न में, किसी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट आता है, तो प्लीज आप मुझसे डाउट काउंटर पे, क्लास में, क्लास के पहले, क्लास के बाद में, जब भी आपको समय मिलता है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।